हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। मुरादाबाद के हिंदू संगठनों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से 8 घंटे तक हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। नगर संत रामदास ने SPCD और CO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुरादाबाद नगर संत के नाम से पहचाने जाने वाले संत रामदास ने आज हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इन लोगों ने विरोध स्वरूप जय श्री राम के नाम का उद्घोष करते हुए अपनी बात कही। दरअसल मामला 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का है। उस दिन शिवांगी अग्रवाल नाम की युवती द्वारा मुस्लिम युवक जुनैद के साथ शादी के बाद स्थानीय होटल फ्लेवर में रिसेप्शन करने के कार्ड बंटवाए गए थे, जिनकी भनक लगने पर मुरादाबाद के सभी हिंदू संगठनों ने होटल मालिक से बात करते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इनका आरोप था कि उक्त युवती ने पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया था, अब कार्ड पर अपने आप को हिंदू दर्शाकर हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। इसके खिलाफ युवती के अपार्टमेंट के बाहर धरने पर बैठे कई दर्जन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर शादी का कार्यक्रम भी पुलिस की मौजूदगी में करा दिया था और 60-70 हिंदू कार्यकर्ताओं को रिजर्व पुलिस लाइन में बंद करके CO सिविल लाइन विनोद भूकर SPCT अमित आनंद ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी, जिससे आहत होकर आज नगर संत रामदास ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। इनकी मांग है तीनों अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। 14 फरवरी 2020 को हमें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद हमारे संग दुर्व्यवहार किया गया। मेरे कुछ कपड़े पड़े और दो लोगों को अंदर मारा गया। वहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और यहाँ तक कि दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ना पानी को ना किसी चीज़ को, पेशाब करने भी जा रहे थे तो दो आदमी पुलिस वाले साथ जा रहे थे, जैसे कोई हम आतंकवादी हों, अपराधी हों। ये मतलब इतना अपमान किया गया हम लोगों का, जबकि हम एक नगर संत के नाम से मुझे जाना जाता है। हर प्रशासनिक मीटिंगों में मैं जाकर बैठता हूँ, लेकिन इस प्रशासन ने मेरी बिल्कुल, मुझे संत रामदास कहते हैं। ये हमारे नगर संत है, हमारा कहना यह है कि जो हमारे संग दुर्व्यवहार हुआ और जिन अधिकारियों का, चाहे वो SPCT हो और CO City, दोनों ने हमारे संग, CO सिविल लाइन, इन लोगों ने हमारे संग बदतमीजी की, इनको तुरंत तत्काल से प्रभावित किया जाए, निलंबन किया जाए, अभी हमें शांति मिलेगी। और इनके पुलिस ने गिरफ्तार क्यों होता है, क्योंकि जो एक हिंदू लड़की ने 3 साल पहले शादी कर ली थी, 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर अब आकर के एक क्षेत्र के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए दोबारा शादी कर रहा था, तिवारा 3 बार और 7 साल से किस अवैध संबंध है, जबकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। हमें इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि उसने इस चीज़ को जो सोशल नेट पर डाला, उसका क्यों वायरल करा, इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। हमारा कहना यह था कि उससे भी पूछा जाए कि इसने जो वायरल किया है सोशल नेट पर, उसकी मंशा क्या है, क्या ये धर्म, क्या शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसी जी हमने इस चीज़ का विरोध किया है, फिर हमें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके हम पुलिस थाने लाया गया, हमारे संग बदतमीजी की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। हमें कहना यह है कि जो जिन SPCT साहब और CO सिविल लाइन को तुरंत तत्काल प्रभावित कर इनको सस्पेंड किया जाए, तो हम अगली कार्रवाई, हम आगे रणनीति बनेंगे, आंदोलन करेंगे, आमलनशन करेंगे। हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे इसके लिए, क्योंकि एक भगवा के सम्मान में हम अपनी जान तक देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि इससे मर जाना अच्छा है। जो एक शहर का सम्मानित व्यक्ति जिसका इतना दुर्व्यवहार हुआ हो, उसे मर जाना ही अच्छा है, एक चुल्लू पानी डूबकर मर जाना चाहिए इन प्रशासन के सामने। उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और देखेंगे इसको, आश्वासन रेफर कर दिया है और आश्वासन दिया है उन्होंने।